तो दोस्तों आज हम आए लुच भाई के साथ मैच खेलने। अबे साढ़े बेवकूफ के बच्चे मुनावर, ये यहाँ पे मकसद पूरा करने आए, चल जा, कपड़े चेंज कर गया। चलो दोस्तों आता हूँ। तो दोस्तों आज हम हैं एलिश भाई के साथ। भाई तो अभी मैं इनकी बॉलों पे मारूंगा। साढ़े तू मारेगा? अरे नहीं नहीं एलिश भाई, ऐसी बात नहीं है। चलो अरे यार एलिश भाई, आप तो यार नाराज हो जाते हैं यार, छोटी छोटी बात है। अभी देखते हैं तू कितना मारता है। चलो चलो चलो, ट्रेंडिंग टॉपिक मिल गया। अब एक अच्छा सा मीम ट्वीट कर देता हूँ। #Elvis #Dogla। चलो अब ये वायरल हो जाएगा और मैं वापस फेमस। अरे Elvis तूने ट्विटर नहीं देखा? अरे एक मिनट, किसका फोन है? हेलो, हाँ जी सर। सर मेरा कोई उसके अंदर रोल नहीं है, मुझे बेफालतू में फंसाया जा रहा है उसके अंदर। जब कभी मेरे को बुलाया जाएगा मैं तुरंत आ जाऊंगा सर। ठीक है सर, ठीक है। अरे Elvis भाई का ट्वीट आ गया जी। तो ट्वीट कम धमकी ज्यादा लग रही है। एक काम करता हूँ, Elvis भाई से सॉरी बोल देता हूँ। हाँ, किसका कॉल है? हेलो। हेलो, क्या बात है लड़के, देखा तूने Elvis का ट्वीट? हाँ भाई, मैं इसमें Elvis भाई से सॉरी बोलूंगा। अब मैं हूं ना तेरे साथ पागल, तू मेरी बात सुन, जैसा मैं बोलूं वैसा करो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है ना, अब मैंने जैसे बोला वैसा कर। ओके ओके, बाकी कुछ होगा तो मैं गोभी उगा दूंगा, मैं देख लूंगा सब। ओके। अरे बहन क्या करने में ये पिटने में दिखता है। तो गाइस, मैंने जो Elvis भाई के लिए बोला वो एकदम सही। मैक्सिन को फोन लगाना कहता रिया, सारा पिटने में तेरा दोस्त। अरे भाई मेरा कहाँ दोस्त, तेरा दुश्मन, मेरा दुश्मन। लगा देंगे एक बार, क्या क्या ट्वीट कर रहा है ये पता। Elvis भाई का फोन। लो भाई उठा लिएगा। हाँ हेलो। हेलो मैक्सिम, तेरा ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ Elvis भाई। अच्छा अच्छा ठीक है, तू आ घर पे मिलते हैं, आ जा। ठीक है मिल लूंगा मैं। ठीक है आ जा। ठीक है चलो, इस बहाने Elvis भाई से मिलना भी हो जाएगा और थोड़ी फॉलोइंग और बढ़ जाएगी। गाइस वेलकम बैक, राम राम भाई सभी को। एक मैक्सिम का फोन आ रहा है साले। हेलो, क्या आया नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा, मैं अकेला आया हूँ। तुम्हारे पास पता नहीं कितने बंदे होंगे। अरे अकेला ही हूँ। तो तुम यहाँ आ जाओ ना, मैं तुम्हारे शहर आ गया, तुम यहाँ नहीं आ सकते, इतनी फट रही है। तू 10 मिनट रुक, मैं आ रहा हूँ। बंद करता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद में Elvis भाई आने वाले होंगे, फिर उनके साथ लाइव करूंगा। अभी मैं अपना कैमरा छुपा देता हूँ। अरे आओ Elvis भाई, आओ आओ बैठो, बैठने तोड़ना है। कोई छोड़ गवार मान, पता नहीं क्या तुम गवार हो, छोड़ो छोड़ो ओ गवार, छोड़ो मुझे, इसको छोड़। करिए वीडियो ना, सॉरी बोलो भी रहूंगा। वीडियो तो नहीं बनाऊंगा मैं, सॉरी बोल। सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मर जाऊंगा। तो गाइस मैं तो बस Elvis भाई से बात करने गया था और उनका सिस्टम थोड़ा गर्म था,
हम तो बस दोनों दो लोग थे साथ में और वो 7-8 लोग थे, तो कल डालूंगा पूरी वीडियो, कल पूरी वीडियो आ जाएगी ट्विटर पे। एल्विस भाई से बात करने गया था और इसकी बहन बोला था मैं उसको कटारिया को इसका पत्ता साफ कर देते हैं, उसको फोन करता हूँ मैं। अरे तेरे को बोला था ना मैंने कि इसका साफ कर देते हैं बिल्कुल इसको, फिर भी तूने माना नहीं। अब देख रहे हैं ना क्या क्या डाल रहा है ये मैक्सटन। यार मैं कुछ देखता हूँ, चल मैं कुछ करता हूँ। दोस्तों आज हम आए हैं हाल ही में पिटकर लाइफ टर्न करने वाले मैक्सटन के पास, तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि एल्विस भाई के पास गए थे तो उनके उनसे बात करके कैसा लगा। बात थोड़ी नहीं की उन्हें, उन्होंने तो मारा है और मैं उनकी वजह से लावारिस भी हो सकता था। ओह नो। तो अब आगे क्या करने वाले हैं? आगे तो अब इंसाफ होगा, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। भैया सुप्रीम कोर्ट ज्यादा नहीं हो गया क्या? तो अब बारी आप सबको मिलाने की उस इंसान से जो सबके सिस्टम सेट कर देता है, मिलिए एल्विस यादव से। राम राम भाई सभी को। एल्विस भाई मेरे को एक बात बताओ, वो बच कैसे गया मैक्सटन, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कटारिया फॉर्च्यूनर की डैशबोर्ड में से लाना। अरे नहीं नहीं भाई 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 समझ गया एल्विस भाई, समझ गया समझ। एल्विस भाई आपको मैक्सटन की एक बात बताऊं? बताओ। वो है ना अभी मैं उसका इंटरव्यू लेने गया था ना, तब वो बोल रहा है कि वो आपके ऊपर पुलिस केस करेगा। चल वापस दे, वापस दे। और कैसे हो राव साहब? आओ एसी साहब बैठो। सिस्टम है भाई। आप बता रिपोर्टर पुलिस केस क्या बोल रहे थे तू? नहीं नहीं एल्विस भाई समझ गया, मैं चलता हूँ। नहीं बता ना। नहीं नहीं मैं चलता हूँ। ठीक है कटारे साहब चलिए ठीक है सर। ठीक है एल्विस भाई मिल। ठीक है। और क्या हाल है एसी साहब? बस भाई। हाँ तो भाई यही है, बाकी हम आपको कल बताते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि एक बार हमारे बड़ों से बात करें। एल्विस भाई से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार हमारे घर आएं और हमारे बड़ों से बात करें। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, लड़ाई हम सोल्व करवाते हैं, तुम डीले बनाओ सब। हम तो सिर्फ दो लोग आएंगे, बाकी तुम देख लेना। भाई वो दो जने आ रहे हैं भाई, क्या साइकिल से आ रहे हो क्या? चलो कोई ना आने दो। कोई भी हो कहीं से भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, कितना है बैकअप हो पीछे कितने फॉलोअर हो, एक ही दिल है धड़कन रुकते खत्म। तो गाइस अपन भी निकालते। गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो बड़ी मुश्किल से बनी है, इसको दबा के लाइक शेयर और कमेंट इस पे टारगेट रख रहे हैं हम। अगर इसका सेकंड पार्ट चाहिए आपको, 200 लाइक और 2500 वो व्यूज चाहिए, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। एंड न्यू अपनी जो सीरीज चल रही है उसको अपना प्यार देते रहो। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन सब दबाओ, जिन्होंने नहीं दबाया वो भी बेल आइकन दबाओ ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।